एवरीवन, आज मैं आपको शादी या विवाह से संबंधित कुछ शब्द बताऊंगी। ये पार्ट वन है, इसमें हम कुछ शब्द सीखेंगे। तो पहला शब्द सीखते हैं जो है दुल्हन। शादी है तो दुल्हन तो होगी ही, तो दुल्हन को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइड, ब्राइड। अगला जो वर्ड है वो है दूल्हा। अब दूल्हे को इंग्लिश में दो नाम से आप पुकार सकते हैं। पहला है ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, और अगला शब्द है इसका ग्रूम। तो आप ब्राइड ग्रूम या ग्रूम दोनों शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है बारात। बारात को इंग्लिश में कहेंगे वेडिंग प्रोसेशन, वेडिंग प्रोसेशन। नेक्स्ट वर्ड इज विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को इंग्लिश में कहेंगे मैरिज सैक्रामेंट, मैरिज सैक्रामेंट। अगला जो वर्ड है वो है बाराती। अभी पहले हमने बारात शब्द देखा था, अब ये है बाराती। बाराती को इंग्लिश में कहेंगे वेडिंग गेस्ट, वेडिंग गेस्ट। अगला वर्ड है सात फेरे। सात फेरे लेते हैं दूल्हा दुल्हन, तो सात फेरों को इंग्लिश में कहेंगे सेवन वोज, सेवन वोज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो है दहेज। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें, और हम सभी जानते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है, लेकिन हमें सीखना है इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे। तो दहेज को इंग्लिश में कहते हैं डाउरी, डाउरी। तो आज हमने पार्ट वन में कुछ वर्ड्स देखे हैं। अगले पार्ट में हम इससे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कुछ और शब्द सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।